गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रेजा आप सबका स्वागत कर रहा हूं और आज का वीडियो एजुकेशन के बारे में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशन का हिंदी मतलब क्या होता है। तो एजुकेशन का हिंदी अर्थ होता है शिक्षा, शिक्षण, तालीम, पढ़ाई लिखाई। ये सब शब्द जो अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एजुकेशन का हिंदी मतलब है, हिंदी माना है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा एजुकेशन का अर्थ है नॉलेज लेने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा कौशल मूर्तियों के बारे में ज्ञान मिलता है जो किसी भी इंसान को समाज में एक बेहतरीन जीवन जीने का लायक बनाता है। इस एजुकेशनल मेथड में टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी लाइन, डिस्कशन और डायरेक्ट रिसर्च जैसी प्रक्रिया शामिल है। एजुकेशन का प्रकार, शिक्षा का प्रकार कितने हैं? तो एजुकेशन के कई रूप होते हैं या कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिक्षा। ये सब शिक्षा के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ एजुकेशन है। आइए यहाँ एक एक कर आप सबको थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बतला दूँ। जैसे अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, बच्चों को अपने माता पिता, अपने परिवार से और जिस समाज में वह रहते हैं उस समाज से जो भी शिक्षा प्राप्त होता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हर बच्चा अपनी इच्छा से प्राप्त करते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है कि तुम्हें यह शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी है। अनौपचारिक शिक्षा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा छोटा है वही प्राप्त कर सकता है या बड़े होकर किसी को भी अपने समाज से, अपने परिवार से हमेशा नई नई बातें सीखने को मिलती है, इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो कि हर बच्चे को विद्यालय से प्राप्त होती है क्योंकि यही शिक्षा बच्चों के लिए बड़े होने पर बहुत ही कारगर और उपयोगी होती है। इसी शिक्षा से बच्चे आगे चलकर भविष्य में किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं, किसी भी कौशल में उनका विकास होता है। इसी शिक्षा पर हर किसी बालक का भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा यह निर्भर होता है। सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन। यह शिक्षा कोई भी बच्चा अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं। किसी भी बच्चे को सही माहौल, सही वातावरण से सकारात्मक शिक्षा प्राप्त होगा, लेकिन माहौल या समाज अच्छा नहीं होगा तो उसमें उसे नकारात्मक शिक्षा प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एजुकेशन। व्यक्तिगत शिक्षा वह है जो किसी भी बच्चे को उनकी क्षमता और उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होते हैं। किसी भी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज में जब टीचर पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों को एक ही शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसे सुनते हैं और कुछ बच्चे उसे अनुसरण कर देते हैं। सामूहिक शिक्षा यानी एक साथ शिक्षक कई बच्चों को एक ही चीज़ एक ही जगह पर पढ़ाते हैं, उसे सामूहिक शिक्षा कहते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। जो शिक्षा कोई भी शिक्षक सामने बैठकर बच्चे को देते हैं उसे प्रत्यक्ष शिक्षा कहा जाता है, जिसमें कि शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठकर जो भी विद्या या पढ़ाई है वह अपनी योजना के अनुसार ग्रहण करते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षा उसे कहते हैं जो कि किसी भी समाज में या वातावरण, पर्यावरण में बच्चे रहकर प्राप्त करते हैं क्योंकि उसमें कोई भी बैठकर सामने से कुछ नहीं बताता है, उसे अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का महत्व क्या है? जो व्यक्ति शिक्षित, एजुकेटेड है उसे किसी भी समाज में सम्मान दिया जाता है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति समाज को भी सभ्य और आदर्शवादी बना सकता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा, एजुकेटेड है वह अपने आप को, अपने परिवार को और जिस समाज में रहता है उसका विकास सही तरीके से करता है, सही कार्य करता है और अपना पहचान लोगों में एक अलग तरह का बना लेता है।
ये था शिक्षा के बारे में, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का टाइप। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।